अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अमरीन किचन में। आज हम लेके आए हैं चिकन फ्राई। ये देखो, ये चिकन है, आधा किलो चिकन है। ये हमने छन्नी में धो लिया है और इसे इसका सारा पानी निकल चुका है। ये आधा किलो चिकन को हम इस छन्नी में से निकाल के इसमें डालेंगे। कुछ मसाले डालेंगे इसमें हम। देखो ये सारे मसाले, देखिए ये पिसा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, सादा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। ये कुछ मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे। ये अदरक लहसुन है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये है चिकन फ्राई मसाला। ये मसाला है, आप इसको ज़रूर ऐड करना इसमें, तभी इसका टेस्ट आएगा। चिकन फ्राई मसाला जो भी आपकी जहाँ मिलता हो वो यूज़ करना। देखो फ्रेंड, ये चिकन मसाला है, इसे हम पूरा इसमें ऐड करेंगे, मिक्स करना है इसके अंदर। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके 3-4 घंटे के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अगर आपको जल्दी फ्राई करना है तो आप इसमें एग भी यूज़ कर सकते हैं। एग डालने से ये जल्दी गल जाता है, चिकन जो होता है हमारा वो जल्दी गल जाता है। लेकिन इसे हम 3-4 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे, जिसमें अच्छी तरह मसाले ऐड हो जाएं, जिससे हमने इसको अच्छे से ऐड कर लिया इसमें मसालों को। चलिए फ्रेंड, अब हम इसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं। 4 घंटे बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि चिकन कैसा फ्राई हुआ है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं हमारे चिकन को 3 से 4 घंटे हो गए। ये देखिए आप, इसमें सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको तेल में डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसे थोड़ा गर्म तेल में ही डालेंगे, जिससे चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस को स्लो कर देना डालते समय इसको। ये देखिए फ्रेंड, चिकन हमारा फ्राई होने लग गया है। अब इससे हम मध्यम आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन जो है, मसाला इसमें पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, जिससे अच्छी तरीके से ये गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। ये देखिए आप, ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका। अब हम इसे बाहर निकाल के चेक करेंगे, ये गला है या नहीं गला। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन का कलर भी बता रहा है कि ये गल चुका है। ये देखिए, अब हम आपको इसे चेक करके दिखाएंगे, ये गला है या नहीं गला है। ये देखिए आप, चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है। हमारा चिकन इसलिए गला कि हमने 3-4 घंटे इसे मसाले लगा के रखा था फ्रिज के अंदर, इसलिए हमारा ये चिकन देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से गल गया है। देखिए फ्रेंड, आप ऐसे ट्राई करके देखना चिकन फ्राई को, और हमें बताना कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। ये देखिए फ्रेंड, अब हम इसे आपको चेक करके दिखाते हैं चिकन को। चिकन बिल्कुल गल चुका है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी लाइक करना, सब्सक्राइब करना।